बहुत ही एक्साइटिंग रही है और उसके साथ साथ बहुत ही चैलेंजिंग रही है. स्ट्रगल, यू नो, एवरीबॉडी हैज टू डू स्ट्रगल. और आवाज करो, करो आवाज करो. हेलो, अभी ठीक है? कैन वी प्लेस द स्पीकर इन द सेंटर सो दैट एवरीबॉडी कैन हियर. अगर ताली जाती है तो सब लोग कुछ खा के आए हैं ना, कुछ खा के आए हैं ना, तो मतलब यू नो आवाज नहीं आ रही मुझे. आवाज कुछ खा के आए तो शोर मचाओ, शोर मचाओ. अरे भैया, हमारी कंपनी ने 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार कर दिए. शोर मचाओ, इंडिया का नहीं दुनिया का नंबर वन चैनल हो गया, पूरे ग्लोब का नंबर वन चैनल हो गया. इससे बड़ी बात भारत देश के लिए, इंडिया, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए और कुछ नहीं हो सकती. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मेरी जर्नी बहुत ही स्ट्रगलिंग रही है, क्योंकि पहले होता यार कि कोई विश्वास ही नहीं करता कि यार बच्चा सा तो है, क्या करेगा. तो जब बच्चे छक्के मारते हैं तो फिर पीछे पीछे दौड़ते हैं. एनीवे, तब मुझे एक कंपनी मिली जिसका नाम था टी सीरीज. उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा और पहले मैं कम मिलता था, अब ज़्यादा मिलता हूँ. तो बट भी पहले भी कहीं ना कहीं से राज भाई से और भाई से तारीफ में सुनने को मिल जाती थी कि ही इज़ डूइंग वेल, द लैड इज़ डूइंग वेल. तो आई फील ब्लेस्ड कि मैं इस कंपनी का एक हिस्सा हूँ, छोटा सा ही सही या बड़ा सा ही सही, जितना भी, बट अब पार्ट ऑफ इट, आई फील ब्लेस्ड. Right, of course. So what we'll do is we'll definitely ask you to sing the previous wala numbers also. But abhi ke liye, I'd like to invite on stage. All right, so now the leading lady in this song.
the kind of success that you've seen in the last couple of months, I would say. Matlab fat se you've become a superstar. We've all, yeah, I know, the journey has been long. So what do you have to say on this? You know, we are about to see this song. Uske baare mein thoda sa preview agar ho jaye. तो ये सॉन्ग इज़ वेरी वेरी स्पेशल और बहुत वेट करवा दिया सॉन्ग ने आने में. मतलब इतना बेचैन किया कि अभी तक के मैंने गाना देखा नहीं. आपको पता है मैंने खुद ने अभी तक के वीडियो नहीं देखा है. हमने सिर्फ मेरी फैमिली ने देखा और सिर्फ पता है कि शूट कैसे किया और इतना दिल लगा के किया. इतना प्यारा सॉन्ग है और स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा हर कोई बंदा से कनेक्ट करेगा. और एक बार में तो मन भरेगा ही नहीं गाना देख के. ये तो मतलब फॉर श्योर. तो अभी तो बस मैं वेट नहीं कर सकती खुद देखने का भी कैसा लग रहा है. तो मेरे लिए बहुत अभी सरप्राइज की तरह आएगा सबके साथ. तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ऑफकोर्स आई एम वेरी वेरी हैप्पी. इतना टाइम लगा इसे आने में बट आई एम श्योर कि वो पूरा वेट जो है वो वर्थ इट होगा. हाँ जी बिल्कुल खुश हूँ. बहुत ज़्यादा खुश हूँ. ईद की अलग खुशी है और गाने की अलग खुशी है. और बस अब ईदी भी चाहिए मुझे. मैंने हमने ईदी दे दी आपको गाना इतना अच्छा देकर. अब बहुत सारे प्यार के साथ और बहुत सारे अच्छे व्यूज़ के साथ हमें भी ईदी चाहिए. अवसर अच्छा था. मतलब लॉन्च द सॉन्ग एंड टू प्रेजेंट द सॉन्ग एंड एज शी सेड दिस विल बी परफेक्ट ईडी फॉर इंटीमेट कैटेगरी. हां आई थिंक हम इसकी डेट्स का बहुत ऊपर नीचे चल रहा था. बट यू नो द मैन अप देयर इज वॉचिंग अस. तो जिसने जिस हिसाब से मेहनत करी होती है उस हिसाब से उसको फल मिलता है. तो इससे बढ़िया इससे ऑस्पिशियस इससे प्योर डेट नहीं हो सकती थी. आई थिंक पीपल आर लाइकिंग इट. और हमने बहुत हमारे लिए भी यार एक मेरे लिए एक्चुअली हर एक सिंगर के लिए हर एक आर्टिस्ट के लिए उसका गाना लॉन्च होना एक त्यौहार से बढ़कर नहीं है यार. तो क्योंकि बहुत दिनों से मेहनत बहुत महीनों से मेहनत चल रही होती है एंड फाइनली वी डिलीवर द प्रोडक्ट टू पीपल. सो इट्स अ बिग डे फॉर अस. गॉड इज़ फेवरिंग अस लाइक ऑलवेज. आपको पता है जन्नत बहुत ही इंटीग्रेटेड एक्टर है जी. मतलब बहुत ही अपने आपको संभाल के लेके आपने इनमें इनको कैसे चुना. इन्होंने तो बताया आपको कि भाई ये आपके गाने पसंद करती थी. आपने इनको कैसे चुना. मैं शुरू से ही मेरी कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा एक्टिंग वाला पार्ट होता है क्योंकि मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है. तो मैंने एक अभी जब इन्होंने शी डोंट नो पे टिकटॉक बनाई थी वीडियो बनाई थी तो मैंने देखा कि शी डज वेल. बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटल एक्टिंग करती हैं. बहुत ही अंडर प्ले करती हैं. ऐसा भी नहीं कि कुछ लाउड हो रहा है. तो दैट्स हाउ आई गॉट इन कॉन्टैक्ट. मैंने इनको कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कुछ काम करें और वी गोना किल इट. कैमरे को हम खा जाएंगे. तो इन्होंने कहा ठीक है चलो हो गया. वो एकदम एवरी हर एक मोबाइल में इनका होता ही है यार. वो देखो बंदा इतना खुश है इनसे मिलके पता नहीं क्यों. वो ब्लश कर रहा है बंदा. पूरा उनके गाल गुलाबी हो गए हैं. ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था. ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था. इनफैक्ट मुझे अलाउड नहीं था सोशल मीडिया 3 साल पहले तक के. मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं थी क्योंकि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा छोटी थी ये सब यूज़ करने के लिए. तो डैडी और मम्मा ने मना किया हुआ था कि नहीं करना है. बट वो लकीली जैसे ही बोलते हैं ना मम्मी डैडी कभी हाँ अच्छे मूड में हो हाँ बोल दिया और बना लो टाइप्स. तो वैसे बना एंड देन सडनली धीरे धीरे करके हुआ. बट सडनली ये 1 साल से बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगा सोशल मीडिया से इंटरनेट से. और ऐसा कुछ सोचा हुआ नहीं था लेकिन वो बोलते हैं ना गो विद द फ्लो. और फिर अपने आप सब कुछ इतना अच्छा लगने लगा कि अब मैं भी कभी कभार सोचती हूँ कि लोग मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं और इतना क्यों पसंद कर रहे हैं. बट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू इतना प्यार देने के लिए. दैट्स इट. कुछ सोशल मीडिया वगैरह में प्रमोट करने वाली है इस गाने को.
हाँ मैं तो कब से कर ही रही हूँ, एज इन जब हमारा फर्स्ट लुक आया, पोस्टर, फिर वो टीजर आया छोटा सा, एंड अपना गाना यार, तो अपना गाना तो मतलब मैं दूसरों के गाने प्रमोट करती हूँ, लोग के आते हैं तो उनके गाने प्रमोट करती हूँ, तो ऑफकोर्स जब अपना गाना है तो उसको तो पूरी जी जान लगा के खुद भी करना है और दूसरों से भी करवाना है कि भाई मेरा गाना है, प्रमोट तो करना पड़ेगा। ओके मिलिंद, अंदर यू नो 5 दिन की वो स्टोरी क्या है, उसके पीछे का राज अब बता दे, क्योंकि उसके पीछे की कोई स्टोरी है जो बहुत ही सीक्रेट रखी। मैंने मैंने एक गाने से पहले कुछ 1 मिनट इज अबाउट जिंदगी की पौड़ी डालना शुरू किया यूट्यूब पे, तो उसमें मैंने अपना डाला कि हाउ वॉट वॉज द एक्सपीरियंस। एक्चुअली एक्सपीरियंस यही था कि हम 5 दिन आर्मेनिया में गए थे और हमने 3 दिन शूट करना था और 2 दिन जैसे होता है ना दिल्ली वाले पार्टी करते हैं, तो 2 दिन पहले पार्टी तो कर ली और दूसरी रात को हमें पता चला कि 3रे दिन का जहाँ से हमने शूट शुरू करना है अगले दिन से, वेदर ही बहुत डायनामिक है, कभी बारिश हो रही है कभी स्नोफॉल हो रही है, तो जो हमने सेट बना रखा था, जो भी हॉस्पिटल देख रहे हैं आप इसका पूरा सेट बना रखा था हमने, तो वो सब रुइन हो गया था बारिश के चक्कर में, और सारे आई स्वेयर ऑन माई गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा, हम सारे रो रहे थे, मतलब मैं सेठी बाजी शैबी जिसने वीडियो इतनी अच्छी तरह डायरेक्ट की, आशीष, हम सारे लिटरली वी वर क्राइंग कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, बट वो देख रहा होता है यार, वो उसने कहीं और लेके जाना था हमें, तो देख हम मैन कि उसने कहा कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर एक विलेज है, वहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन है, तो वी जस्ट गैम्बल्ड एंड वी गॉट देयर, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, मतलब उम्मीद से दुगना हमें देखने को मिल रहा था, और आप कैनवास देखिए, आप लैंडस्केप देखिए, इट्स वास्ट, आई थिंक वो जो होना होता है ना जहाँ जहाँ लिखा होता है वहीं में हो जाता है, तो ये 5 दिन की स्टोरी थी, स्टोरी में यही था कि हम रो रहे थे, किसी गाने ने हमें इतना रुलाया नहीं है जितना आर्मेनिया के वेदर ने रुलाया, तो या दिस वाज स्टोरी। नहीं 267 मिलियन हो गए। मैंने कभी व्यूज़ पे ध्यान नहीं दिया, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने इस पे ध्यान दिया कि मेरा गाना अगर कोई बच्चा गा रहा है या कोई बूढ़ी सी आंटी गा रही है या अंकल गा रहे हैं तो दैट्स अ हिट फॉर मी, अगर मेरा गाना रिक्शे में बज रहा है और मेरा गाना वही प्लेयर की एयर होस्टेस सुन रही है तो दैट्स अ हिट फॉर मी, अगर मेरा गाना बच्चा स्कूल नहीं जा रहा कि मैं उसका गाना सुन के जाऊँगा, कलेश लगाओ या यू नो शी डोंट लगाओ या नजर ले जाएगी, मैं उसका गाना सुन के जाऊँगा, दैट्स अ हिट फॉर मी, दैट्स अचीवमेंट फॉर मी, दैट्स व्हाट आई ड्रीम्ड ऑफ। मैंने कभी जब हम मैंने सपने देखे थे तो व्यूज़ तो दूर दूर तक नहीं थे, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं दुनिया के नंबर वन चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दुनिया का नंबर वन चैनल टी सीरीज़ है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द इंटायर टीम, भूषण सर मेरे साथ इतने सपोर्टिव हैं, ही जस्ट ट्रीट्स मी एज अ यंगर ब्रदर एंड ही इज़ ऑलवेज बीन देयर, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि मैं दुनिया के नंबर वन चैनल के साथ जुड़ा हूँ। एक्चुअली द थिंग इज डिफरेंट, यू नो वो एक आर्टिस्ट है, उन्हें अपने आर्ट का वैल्यू है, एंड ऑफकोर्स जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका जो असली अचीवमेंट है वो यही है कि कोई छोटा बच्चा भी उनका गाना गा रहा है और यू नो एक बूढ़ी औरत भी उनका गाना गा रही है, एंड जहाँ तक की बात व्यूज़ की, हाँ ऑफकोर्स इट मैटर्स फॉर मी, एंड इट्स नॉट दैट कि सिर्फ व्यूज़ ही मैटर करते हैं कि कुछ भी बना दो बस उसको व्यूज़ मिलने चाहिए, नहीं, ओवरऑल एक पैकेज होता है कि आपकी स्टोरी भी अच्छी है, लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, आपके गाने को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी एक्टिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं, डायरेक्शन को अप्रिशिएट कर रहे हैं और व्यूज़ दे रहे हैं, सो यू नो एक ओवरऑल जो पैकेज होता है मैं वो चाहती हूँ कि लोग सिर्फ व्यूज़ ना दें, व्यूज़ दें और उसमें कॉमेंट भी करें कि भाई हमने 20 बार ही देख लिया गाना लेकिन मन नहीं भरा, सो दैट इज़ व्हाट मैटर्स फॉर मी। बहुत डिफिकल्ट था, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि ठंड लगना बंद हो गई लेकिन हाथ नहीं फील हो रहे थे, कान नहीं फील हो रहे थे, तो मैं कई बार डर भी गई कि क्या ऐसे कुछ पैरालाइज वगैरह तो क्या हो गया मुझे, मतलब कुछ फील नहीं हो रहा, और फिर आप बाहर होते हो घर से तो डर लगता ही है कि भाई यहाँ तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा,
तो मुझे ठंड एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं है और बिल्कुल आदत नहीं है, बिकॉज मुंबई में इतनी होती नहीं है ठंड. लेकिन फिर भी काफ़ी ध्यान रखा, काफ़ी सारी चीज जगहों पर मुझे जैकेट दिया और कई बार मिलिंद ने अपना जैकेट, मैंने इसका भी जैकेट यूज़ किए हैं. तो हाँ, ध्यान भी बहुत रखा, लेकिन हाँ डिफिकल्टी हुई, बट देन दिस इज ऑल वर्थ इट फॉर अ ब्यूटीफुल एंड गुड लुकिंग सॉन्ग. आल्सो इन द बिजी शेड्यूल से फॉर द शूट, नो आई थिंक सबसे जो मेरी प्रायोरिटी है वो मेरा शूट है, मेरा काम है. और जितना भी बिजी हो अपने काम के लिए तो टाइम निकालना ही है. बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मेरे, जो भी अपने गैदरिंग्स हैं या फिर कुछ भी और चीज़ें, वो मेरे लिए सेकेंडरी होती हैं. तो काम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके लिए तो मतलब टाइम निकालना ही है. सो इट वॉज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर मी एट ऑल. इन फैक्ट आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड आई वॉज लाइक, ऑफकोर्स मैं ब्लेस्ड हूँ कि यू नो इतने अच्छे सॉन्ग का मैं पार्ट हूँ. देखो एक ही बार में तीन तीन क्वेश्चन उसने पूछ लिया मुझे, कौन से स्टार के साथ करना पसंद करेंगे, कौन सी जॉनर. वाह, अभी मैं क्वेश्चन ही भूल गई आपका, क्या क्या था. नहीं मैं समझ गई, आई अंडरस्टूड, आई एम जस्ट किडिंग. तो जैसे मैंने आपको कहा कि इट डजंट मैटर कि यही जॉनर मुझे करना है और यही स्टार के साथ मुझे करना है और अभी मुझे ये मूवी करनी है, नहीं. जैसे मैंने कहा कि वो जो फुल पैकेज होता है ना, कि आपकी स्टोरी भी अच्छी हो, जो कैरेक्टर आप करना चाहते हैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, इंस्पायरिंग हो, और एक्टर ऑफकोर्स अब कोई एक्टर मूवी करेगा तो ऑफकोर्स वो बहुत अच्छा और टैलेंटेड ही होगा. सो इट्स नॉट लाइक कि मेरा कुछ प्रेफरेंस है कि मुझे इसके साथ मूवी करनी है, इसके साथ नहीं करनी है. सब जितने हमारी इंडस्ट्री में सब बहुत ही अमेजिंग एक्टर्स हैं और आई विल बी ब्लेस्ड अगर मैं किसी के भी साथ मूवी करूँगी तो. लेकिन ऐसे कुछ पर्टिकुलर नहीं है यू नो कि ऐसा जॉनर करना है या ऐसी मूवी करना है, नहीं. बस अच्छा हो, इंस्पायरिंग हो और वही दिल को छूने वाली इमोशनल मूवी हो. ओके, लास्टली जाते जाते यू नो जैसे कि आपने कहा कि आपको मिलिंद के सॉन्ग्स बहुत पसंद है, तो हमें आपका फेवरेट सॉन्ग बता दें ताकि वो मिलिंद हमें हाँ सुना. मैं तेरी हूं, नहीं मैं मैं सुनूंगा, आप ये गाएंगे. नहीं ऐसा ऐसा हो सकता है, है ना? नहीं, हम दोनों गा सकते हैं. मैं सुनता हूँ, इनके सामने मैं गाना गाऊंगा. आपके पास बहुत सारे सवाल हैं. व्हेनेवर आपने जो भी काम किया उसमें आपने अपने कुछ प्रिंसिपल्स बना के रखे हैं, लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू नॉट वांट टू ट्राई और डू एट्रा ऑफ योर. हां जी, उसके साथ तो ये चीजें आगे भी जारी रहेंगी, चाहे आप वेब प्लेटफॉर्म पे करें या फिल्में करें, ये चीजें आगे भी आप रखेंगे. हाँ जी, बिल्कुल जारी रहेंगी. जब ये चीज़ स्टार्टअप ही लिया है अभी से, इसीलिए अभी से स्टार्टअप लिया है ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आके चीज़ें आएँ कि अच्छा अब ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जा रही हैं, पहले नहीं थी. ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी से ये मतलब पहले से ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और जो भी हैं वो आगे भी जारी रहेंगी. इट डजंट मैटर कि मैं मूवी कर रही हूँ या मैं किसी वेब सीरीज़ कर रही हूँ या मैं कोई एल्बम कर रही हूँ, तो किसी के लिए टर्म्स मेरी चेंज नहीं होंगी कि मैं मूवी कर रही हूँ तो मैं कर लूँगी इसमें और इसमें मैं नहीं करूँगी. नहीं, जो मेरी टर्म्स हैं वो हमेशा हर प्लेटफॉर्म के लिए होंगी. नॉट रियली, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस के वजह से जो मेरा टैलेंट है या जो मैं एक्टिंग अच्छी करती हूँ या जो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं वो मुझे मेरी एक्टिंग या मेरे लिए ही दे रहे हैं. तो कंडीशंस में एक कंडीशन है कि सेट पे बोनवीटा जरूर होना चाहिए. हाँ? बोनवीटा बहुत पीती हैं. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. और कोई है तो कंडीशन बता दीजिए ना. मैंने ये सारी कंडीशंस की बात नहीं कर रहे. जब हम फ्लाई कर रहे थे तो मैंने कहा कि आर्मेनिया फ्लाई कर रहे थे तो मैंने इनसे पूछा कि यू नो वुड यू हैव सम टी और कॉफी, तो कह रही नहीं आई बस बोनवीटा. मैं कहा एयरपोर्ट पे कहाँ से लाऊं बोनवीटा. बिल्कुल, आपको हर एक को लाना पड़ेगा. सी, जैसे मैंने आपसे कहा कि द टर्म्स एंड कंडीशन इट डजंट मैटर, बिकॉज जिसको भी मुझे कास्ट करना होगा वो मुझे मेरे टैलेंट के बेस पर करेगा, ना कि उन सारी चीज़ों के बेस पर. और अगर उसके लिए कास्ट करना होगा तो करेगा, बट फिर यू नो
क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है, तो उस हिसाब से काम करेंगे. बट टीवी एज ऑफ नाउ आई स्टॉप डूइंग. ओके, गाना गाना टेंथ को आ रहा है वो, उसके लिए भी ईदी चाहिए. लेकिन आज मैं इस गाने के लिए आई, तो आई एम टोटली फॉर दिस सॉन्ग, सो आई विल ओनली टॉक अबाउट दिस सॉन्ग. थैंक यू. उस दिन बात करेंगे उसके लिए. इरशाद, ओके, ये वाला गाना तो आप सुन ही रहे हैं जो पीछे दिख रहा है. तो मैं बताऊँ मेरा फेवरेट जो लिविंग उसको आप गाना वो हम वो गाते हैं, शीटों गाते हैं, शीटों गाते हैं, ठीक है. मूवमेंट्स ये करती है, मैं तो गाना गाता सर मेरा. अरे बहुत अच्छा एक्टर है, इन्होंने रोने की एक्टिंग मुझसे भी बहुत अच्छी की. आपके लक्षण दिखने लग रहे हैं मुझे. अच्छा, let's just close it with the gana. Shirino is my first song, jiske 267 jisko kehte hain hum, 267 million ho chuke hain, to mere liye bahut badi baat hai. Aur I'm thankful to T series team. Here I sing.